के ऊपर एक्स को रख देना, कितना आसान है देखिए यूज़ करना, कि जो लोग नए होते हैं उनके लिए कितना आसान है। देखिए कोई भी अलग से उनको चीज़ नहीं चाहिए, एक ही ट्रे सब कुछ होगा, हैचिंग भी होगा, सेटिंग भी होगा। और एक और चीज़ इसमें एडवांटेज हो रहा है, अगर आपको कुछ एग्स आपने आगे पीछे करके लगाए हैं, ऐसे 3-4 डेज बाद आपने पहले एग्स लगा दिए, फिर 3-4 डेज बाद फिर आप हैचिंग लगा एग्स लगा रहे हैं, तो एग्स साथ में आपके रोल भी होते रहेंगे और एग्स आपके ये हैचिंग भी होते रहेंगे। तो एक ही ट्रे में इतने सारे एडवांटेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी ढूंढ के देख लीजिए आप, आपको कहीं भी आप इंडिया में चेक कीजिए, आपको ऐसी ट्रे आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हैचपो द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है सिर्फ आपके लिए, जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे इसको पोल्ट्री में आके आपके हैचिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हमने मार्केट। हेलो, कैसे हैं सब लोग? तो ये हाँ हमारा हैचप्रो का न्यू प्रोडक्ट, ये हैचप्रो का फुली ऑटोमेटिक एग टर्निंग ट्रे 70 कैपेसिटी में। तो ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, फुली ABS क्वालिटी में बनी हुई है प्लास्टिक को, और इसमें टोटली हमने एल्यूमिनियम यूज़ किया हुआ है, दोनों का यूज़ इसने किया है। जो मार्केट में जितनी ट्रेज आती हैं प्लास्टिक थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ कम रहती है, तो इसकी हमें स्ट्रेंथ इससे पूरी करती है, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी और लाइफ लॉन्ग चलेगा ये प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें एल्यूमिनियम भी यूज़ किया, 3 रोड्स होती हैं इसमें एल्यूमिनियम की 70 कैपेसिटी ट्रे में, और ये जो प्लास्टिक का मटेरियल भी वो भी हार्ड हमने ABS में यूज़ किया हुआ है, वर्जिन मटेरियल में, जो कि एक फूड ग्रेड मटेरियल होता है। तो प्रॉपरली हमने इस चीज़ों का सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना है इस ट्रे को मैन्युफैक्चर करने के लिए। पूरे इंडिया में हमने इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया है। आप इसको अलग अलग ट्रेस अलग अलग साइजेस में इसको परचेज़ कर सकते हैं हमसे, 64 कैपेसिटी में, 48, 50 कैपेसिटी, 30 कैपेसिटी, हर कैपेसिटी में अवेलेबल है। इसको आप अपने आप होममेड इंक्यूबेटर्स और इसको अगर आप इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चर्स करते हैं तो उसमें भी आप ये ट्रे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी ट्रे हमने मैन्युफैक्चर की है। तो इसको मैं आपको साथ में क्या कुछ आएगा, तो मैं पैकेजिंग कैसे भेजते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बॉक्सिंग पैकेजिंग करके भेजते हैं आप, वो भी आपको आप स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। और साथ में इसके ये कनेक्टर भी आता है, ये आप देख सकते हैं ये कनेक्टर क्या होता है, ये जो हमारा मोटर का कनेक्टर लगा होता है, इस कनेक्टर में इस कनेक्टर को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इसको 220 वोल्ट की मोटर लगी है उसको आप डायरेक्टली सप्लाई से चला सकते हैं। चलिए मैं आपको ट्रे का साइज़ बता देता हूँ। ट्रे का जो साइज़ होता है आउटर साइज़, जो आउटर साइज़ हम चेक करते हैं, तो इसका 52 सेंटीमीटर, वैसे 20.5 इंच, और यहाँ से 40, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास इंची टेप है, ये देखिए 52 सेंटीमीटर बाय 20.5 इंच का ये हमारा ट्रे होता है। अगर आप इसको ऐसे चेक करेंगे विड्थ वाइज देखते हैं 42.5 बाय 16.5 इंच, ये देखिए 16.5 इंच के आसपास ये आपका ट्रे होता है। 20.5 बाय 16.5 इंच का आपको अंदर स्पेस चाहिए रहेगा हमारी ट्रे यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर आप इसको आप अपने होम मेड इंक्यूबेटर्स में और जो इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चर करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको ट्रेज़ का मैंने साइज़ बता दिया। तो ये ट्रेज़ के साइज़ जो होते हैं ये हमारे पास आप और भी साइज़ बहुत सारे साइज़ अवेलेबल है, मल्टीपल साइज़ अवेलेबल है, 64 कैपेसिटी की ट्रे, 50 कैपेसिटी की ट्रे, जैसे अभी 42 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर 64 इंक्यूबेटर के लिए भी ट्रे आती है, 50 कैपेसिटी के लिए भी आती है। अब हर ट्रेज हमारे पास मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, अगर आपको बल्क में परचेज़ करना है तो बल्क में भी परचेज़ कर सकते हैं, सिंगल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो आपको ये पूरा हमने एक पैकेज दे दिया है। अगर आपको इस ट्रे के साथ में अगर आपको एक चीज़ और चाहिए होती है, ऐसे एक कंट्रोलर चाहिए रहते हैं, टाइमर कंट्रोलर्स, जो कि इस ट्रे को हर 2 घंटे के बाद में 2 मिनट के लिए टर्न करेंगे, तो हमारी एक रिक्वायरमेंट रहती है इस ट्रे की, हर 2 घंटे के बाद आपको 2 मिनट्स के लिए इस ट्रे को टर्न करना है। ये हमारा डायल वाला एक टाइमर कंट्रोलर रहता है और एक डिजिटल चिप वाला रहता है, आप बहुत हमसे ये दोनों परचेज कर सकते हैं। इसकी वायरिंग टोटली हम आपको करके देंगे और आपको बताएंगे भी कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। आप इनकी जो इसकी कॉस्ट होगी वो अलग से होगी इन दोनों टाइमर्स की, और ये ट्रे की जो कॉस्ट होगी वो वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट, लाइक इसकी कॉस्ट जो स्टार्टिंग होगी वो 1500 से स्टार्ट होगी, बाकी वो डिपेंड करेगा। आप अगर ज़्यादा ट्रेज लेते हैं तो कॉस्टिंग आपकी कम हो जाएगी, लाइक आप 3 से 4 ट्रेज लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आपकी 1400 और 1300 तक भी चली जाएगी, डिपेंड करता है वो आप कैसे ट्रेज परचेज करते हैं, हमसे रेगुलर परचेज करते हैं कि सिंगल ट्रे का ऑर्डर है आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है, तो उससे आपसे उसकी होगी क्या होता है कि अगर आप सिंगल ट्रे ऑर्डर करते हैं उसकी पैकेजिंग कॉस्ट, उसकी आपकी डिलीवरी कॉस्ट, वो सब चीज़ें बढ़ जाती है तो कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है। 1500 से स्टार्ट होगी इसकी ट्रे, ठीक है, सिंगल ट्रे की कॉस्ट विद पैकेजिंग विद शिपिंग कॉस्ट, वो थोड़ा शिपिंग कॉस्ट वेरी करता रहता है स्टेट टू स्टेट। एंड उसके बाद अगर आपको ये ट्रे बल्क में चाहिए, आपको 3-4 पीस चाहिए, तो उसके सब क्या होता है पैकेजिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट को कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास COD भी अवेलेबल है, अगर आपको COD में ये चाहिए
पूरे इंडिया में आप COD हम कर देते हैं, हमारे साथ टाई अप है, कुरियर पार्टनर्स है हमारे, जैसे दिल्ली वैरी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, इन सबसे हम आपको शिपिंग इनको कर देते हैं, ठीक है। COD भी अवेलेबल है, फुल पेमेंट भी आप कर सकते हैं, अगर आपको COD नहीं करना फुल पेमेंट भी आप कर सकते हैं, दोनों सब चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास में। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेज में टर्निंग करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा पहले चलो आपको इस ट्रे का एडवांटेज भी और बता देता हूँ। क्वालिटी देखो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें हाई वाइंडिंग जैसे मोटर यूज़ हो रही है, और इसमें देखिए ये शाफ्ट है, ये फुली शाफ्ट रोटेट होती है, मैं आपको रोटेट भी करके दिखा देता हूँ। नहीं ये प्रॉपरली आप देखिए, ये हमारी शाफ्ट रोल हो रही है, मैंने इसको कनेक्टर से ज्वाइन कर दिया था, ये आप देखिए इसमें ये हमारे गियर्स लगे हुए हैं प्रॉपरली, ये गियर्स के बीच में गैप होता है ना, कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टूटने की गियर को और गियर के अटकने की। तो इसमें एक रो में आपके 8x आ जाते हैं। तो इसमें एक और एडवांटेज है इस ट्रे का, हमने साथ में हैचिंग, आपको अलग से कोई भी हैचिंग ग्रिल की जरूरत नहीं पड़ेगी हैचिंग ट्रे की। मार्केट में जितनी भी ट्रेज अवेलेबल है वहाँ पे हैचिंग ये आपकी जाली नहीं होती, अगर हैचिंग जाली नहीं होती तो एग्स को आप जब चिक निकलता है तो इन रोलर्स पे आप हैच नहीं कर सकते, तो आपको अलग से कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए रहेगी, या कोई आप कोई जाली चाहिए रहेगा या कोई एल्युमिनियम का फ्रेम चाहिए रहेगा, तो अलग से एक चीज़ रहेगा, अलग से आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बट हमने इस ट्रे के अंदर ये हमारी ये हैचिंग ग्रिल भी अवेलेबल है, तो आप जब इसके 18 डेज कम्प्लीट हो जाते हैं हैचिंग का टाइम आएगा तो आप इन को एग को क्या करेंगे, हैचिंग इस जाली के ऊपर रख देंगे और ये रोलर्स को निकाल देंगे। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है हमारी ट्रे को यूज़ करना, आराम से आपको रोलर्स निकालने हैं और ये हैचिंग जाली के ऊपर एग्स को रख देना, कितना आसान है देखिए यूज़ करना, कि जो लोग नए होते हैं उनके लिए कितना आसान है। देखिए कोई भी अलग से उनको चीज़ नहीं चाहिए, एक ही ट्रे सब कुछ होगा, हैचिंग भी होगा सेटिंग भी होगा। और एक और चीज़ इसमें एडवांटेज हो रहा है, अगर आपको कुछ एग्स आपने आगे पीछे करके लगाए हैं, ऐसे 3-4 डेज बाद आपने पहले एग्स लगा दिए, फिर 3-4 डेज बाद फिर आप हैचिंग एग्स लगा रहे हैं, तो एग्स साथ में आपके रोल भी होते रहेंगे और एग्स आपके ही हैचिंग भी होते रहेंगे। तो एक ही ट्रे में इतने सारे एडवांटेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी ढूंढ के देख लीजिए आप, आपको कहीं भी आप इंडिया में चेक कीजिए, आपको ऐसी ट्रे आपको कहीं नहीं मिलेगी, हैचको द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है सिर्फ आपके लिए, जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे इसको पोल्ट्री में आके आपके हैचिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हमने मार्केट में उतारा है, मैन्युफैक्चर किया है। तो देखिए आप मल्टीपल, इसका एक और एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है जैसे हमने चिकन के एग्स करने हैं, जो बड़े एग्स होते हैं तो उनके लिए जैसे ट्रेज होती हैं, जैसे छोटे एग्स हो गए, क्वेल एग्स हो गए, उनके लिए ट्रे अलग से लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक ही ट्रे में सारी चीज़ें नहीं होती। पर इसी ट्रे में इसकी और एडवांटेज है, इसमें ये मल्टीपर्पज़ ट्रे है, इसमें आपके चिकन कड़कनाथ एग्स और आपके छोटे एग्स क्वेल एग्स वगैरह जैसे पैरेट एग्स वो भी इसमें हैच हो जाएंगे। कैसे होंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए जो रोलर्स के बीच में गैप होता है, देखिए आप गैप देखिए, इसमें ज़्यादा है इसमें कम गैप हो गया, तो ये गैप आप कम कर सकते हैं। तो इसमें छोटे एग्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और इसकी क्वान्टिटी भी आपके नंबर ऑफ़ रोलर्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज ऑफ इसमें क्वेल एग भी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसकी एग जैसे 70 एग, इसमें आराम से आपके 130, 140 एग्स, 150 एग्स भी आ जाएंगे क्वेल के। तो देखिए एक ही ट्रे में इतना कुछ आपको मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी, साथ में रोलिंग, साथ में हैचिंग ट्रे भी है, साथ में एक ही ट्रे में आपको अगर कुछ टाइम बाद में आपको क्वेल का करना है क्वेल का भी हैच कीजिए, पैरेट का करना है पैरेट का के लिए, देखिए आप कितने ही एडवांटेज है हमारी ट्रे के। तो इसके और इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको टर्निंग करके दिखाता हूँ इस ट्रे में, प्रॉपरली टर्निंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं आपको ये जो इसमें मैंने मार्किंग की हुई है वो ऊपर ले आता हूँ। जो इस ट्रे में टर्निंग होती है वो आराम से स्लोली स्लोली होती है, क्योंकि किसी एग में जर्क ना हो, किसी एग मिस टर्निंग की वजह से इतना जर्क ना आए कि वो एग में कुछ डैमेज आए। आप देखिए ये अभी आराम 64-70 तो ऊपर है, आराम से देखिए होली सोली ये राइट लेफ्ट को टर्न हो जाएंगे आपके, स्मूथली इसमें टर्निंग होती है। एवरी 2 आवर्स 2 मिनट्स की हम रिकमेंड करते हैं आप ट्रेस को एवरी 2 आवर्स 2 मिनट के लिए रन कीजिए। इन कंट्रोलर्स के द्वारा जो टाइमर कंट्रोलर है हमसे भी परचेज कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। ये देखिए आप 64 अभी मूव हो गए हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा फिर दिखा देता हूँ, ये अभी देखिए थोड़ा टाइम और वेट करेंगे हम 30 सेकंड का, तो ये और यहाँ पे टर्न हो जाएंगे। ये देखिए 70 वाला और यहाँ पे टर्न हो गया, तो आराम से आपका ये टर्निंग हो रही है, ठीक है। तो 2 मिनट्स में आराम से आपका ये जो एग होगा अराउंड आपका 3 बट हाँ आधे से ज़्यादा आपका अगर एग ऊपर है आधे से ज़्यादा आपका टर्न होगा,
तो ये रिक्वायरमेंट होती है, बट एक टाइम के लिए ये नहीं होता कि एग होता है पूरा का पूरा रोटेट हो जाए एक टर्न में, टू आवर्स में नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हाफ टर्निंग भी चलती है, हाफ टर्निंग हो जाए, क्योंकि क्या होता है अगर हाफ टर्निंग करेंगे और टू आवर्स के बाद 12 बार घूमेगा तो कम से कम आपका 7-8, 6-7 बार आपका ये एग पूरा का पूरा रोल हो जाएगा, इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। और इसको अगर आप फ्रिक्वेंसी और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप 1 घंटे में 2 मिनट कर दीजिए, आपकी फ्रिक्वेंसी और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली बस इतनी रिक्वायरमेंट रखते हैं हम, 2 घंटे में 2 मिनट ही रखते हैं, उससे हमें कोई हैचिंग हमारी जो मशीन्स आती हैं हैच प्रो की मशीन्स आती हैं 50 एयर कैपेसिटी 90 कैपेसिटी, जिसमें हमें ये प्लास्टिक ट्रे यूज होती है, किसी में प्रॉपरली हमारा रिजल्ट आ रहा है लोगों का, ये 2 घंटे में 2 मिनट चलाते हैं आराम से रिजल्ट आ रहा है, चिक्की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी आ रही है। ठीक है, मैं आगे आपकी वीडियो दिखाऊंगा कि हैचिंग क्वालिटी कैसी आ रही है इन ट्रे में। तो आप देखते देखते बात करते करते आप देखिए इसमें ये एग प्रॉपरली टर्न हो गया है, या ये वाला एग 70 जो यहाँ पे था ये वहाँ पे था, प्रॉपरली आपका ये वन आपका पूरा रोटेट हो गया है आपका। ठीक है, तो ऐसे भी इसमें प्रॉपरली ये देखिए प्रॉपरली इसमें टर्निंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी सारे फीचर्स मैंने आपको दिखाई है इस ट्रे में, इस हमारी 70 कैपेसिटी की ट्रे में है, कितनी अच्छी क्वालिटी की ट्रे है ये। इसको परचेज कर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे हमें कॉल करके इस ट्रे को परचेज कर सकते हैं, बल्क में भी परचेज कर सकते हैं, और ट्रे को चाहे आप सिंगल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है आप, ठीक है, तो आप इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं ट्रे का, जैसे ये ब्लू कलर में आती है ये ब्लैक कलर में है, तो वो भी सब चीज़ें आपकी चेंज हो सकती है, क्योंकि हम इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, तो इसका कलर्स वगैरह क्योंकि वो तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। तो इसको परचेज करने हमारी वेबसाइट www.hatchcoatinfinity पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।